पैटर्न देखेंगे, 28 साइज का पैटर्न है। कपड़ा भी देखोगे सॉफ्ट में रहेगा, ये एवरग्रीन पैटर्न है और एवरग्रीन शेड्स है, जितना स्टैंडर्ड कपड़ा है। ये 28 साइज का पैटर्न है, स्ट्रेच रहेगा, फुल स्ट्रेच रहेगा इसमें। चाहे यहाँ से खींच लिया, चाहे यहाँ से खींच के देख लीजिए, ये जब पहनेंगे तो बढ़िया फिटिंग का आता है। इसको RFD कहते हैं, RFD कपड़ा है। कपड़ा देखोगे आप स्ट्रेच में रहेगा। ये कार्गो अपने पास, ये सब ट्रेडिंग का अपना, ये मेरे खुद के ब्रांडिंग का। अब आ जाइए जो अभी सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है, ट्रेंडिंग में जो, ये देखिए एक अलग चार्ट है। जो ये मैं दिखा रहा था अपने कस्टमर को। सो हाई एवरीवन, वेलकम टू डिजाइन बोलो। तो दोबारा आ गया मजे भाई के पास, इनकी शॉप पे रेड रिचर का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया ऑलरेडी। तो ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, होलसेल करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो एक बार इन्हीं से पूछ लेते हैं क्या क्या करते हैं यार। तो एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो सारे व्यूअर्स को। जी भैया नमस्ते, मेरा नाम अजय विश्वास है। मेरा एक्चुअली 5 साल से इस लाइन में हूँ मैं जी, और अपना मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब कुछ चलता है। अब साथ में ट्रेडिंग भी स्टार्ट करी है, अपना होलसेल पूरा पैन इंडिया, डिलीवरी वगैरह सब कुछ रहता है अपना। वैरायटीज भी आपको इस बार बहुत मिल जाएगी, पहले हमारे पास सिर्फ जीन्स की वैरायटी थी, अब जीन्स की वैरायटी के साथ हमारे पास कार्गो भी रहती है, लैक्रा नॉन लैक्रा भी रहता है, बैगी पैंट्स जो अभी स्टाइल में चल रही है, सिक्स पॉकेट हो गया, ये सब चीजें सब मिलेगा आपको। तो दोस्तों एक बार दिखा दो कि बस दुकान दुकान पे ना डेमो के लिए जो पीस पड़े हैं, ये डेमो वाले पीस है, गोडाउन वाले माल की तो बात ही नहीं कर रहा अभी मैं, जो सैंपल सैंपल बस है ना वो दिखा रहा हूँ बस आप लोगों को। तो ये सब पड़े हुए, तो यार एक बार ना माल जो है ना अपने पास वो एक एक करके दिखा दो। जी माल मैं आपको सब कुछ एक एक करके दिखाऊंगा, किस टाइप का माल रहता है, क्या क्या रेंज है अपने पास, कहाँ से स्टार्टिंग है। सबसे पहला सवाल ये रहता है, आजकल तो सबका ये है कि भैया सस्ता माल चाहिए जी। आप हर चीज सस्ता मत देखिए, मैं ये बोलूंगा सस्ते में दिक्कत क्या है कि पैटर्न वैटर्न का इशू भी रहता है। सस्ता कितना सस्ता मांगते हैं लोगों की तो इच्छा रहती है, भैया 150 रुपए में मिल रहा है, 200 रुपए में मिल रहा है, तो ऐसा काम तो होता नहीं है। तो यार वो डेबिट वाला माल देने का तो वो है नहीं, देखो डेबिट वाला माल भी बिकता है 200 रुपए का भी वो सब। डेबिट वाला भी रहता है, प्लस उसमें क्या होता है साइज इशू भी रहते हैं, जैसे क्या होता है पैटर्न होता तो वॉशिंग में ही है, तो वही साइज होता है 26, मतलब जो 28 साइज का पीस है वो 26 बन जाता है, उसको बेच दिया है, डेबिट ऐसे चिपकी चिपकी रहेंगी, माल ऐसा रहेगा, मतलब सस्ते रेट से मतलब है वो चीजें रहती है। देखो यार मैंने तो देखो मेरे को भी चाहिए होते तो अजय भाई से लेता हूँ, तो अपना तो इनका जो मतलब महंगा भी है ना तो वो अपने लिए सस्ता ही होगा। अपने कितने रुपए से स्टार्टिंग होती है जीन्स वगैरह की? जो स्टार्टिंग रेंज है जीन्स की वो है 300 रुपए से, 300 रुपए मिनिमम, 300 रुपए। तो इसको महंगा बता, चलो एक बार दिखा दो यार जो जो माल अपने पास है। ब्लैक एंड व्हाइट बिकता है, ठीक है, वैरायटी आपको और भी उससे सस्ती मिल जाएगी, आप मार्केट ढूंढोगे वो चीज अलग है, पर अपने पास जो पैटर्न रहता है पूरा प्रॉपर के अंदर ब्लैक व्हाइट में बेचते हैं अपना। पॉली कपड़ा होता है, अच्छा पहली बता के चल रहा हूँ, कॉटन का कपड़ा नहीं है ये, पॉली कपड़ा है, वाइट रहता है, स्ट्रेच रहेगा फुल, साइज रहता है 28 से 34 भी, 28 से 32 भी। अच्छा बाकी कस्टमर की जो डिमांड होती है वो अलग होती है, कोई भी मांगता है 28 28 दे दो, कोई भी मांगता है 28 30 दे दो, तो मिल जाएगा, पर वो भी सेट वाइज के हिसाब से ही होगा, एक तरह से जैसे कि 5 का सेट होगा उस हिसाब से मिलेगा। तो कभी कभार क्या होता है लोग पूछते हैं भैया ये तो अशॉर्टमेंट दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, सेट वाइज का माल है अपना। क्या है क्योंकि कस्टमर बिहार के भी ज्यादा हमारे पास, जो जैसे कि बिहार गोरखपुर ये सब जगह ना छोटे साइज ज्यादा चलते हैं, जयपुर वगैरह में भी चलते हैं, जयपुर वगैरह में भी चलते हैं, पर सबसे ज्यादा जो छोटे साइज जो है बिहार में चलते हैं, जो सबसे ज्यादा 28 वगैरह जो आप बोल रहे हो, 28 30 तो भर के, मतलब उधर तो भर के चलता है। अच्छा तो अपने पास सेट वाइज भी रहता है, सेट वाइज भी वो भी 28 28 28 30 भी सेट वाइज ही है, जैसे कि 28 से 34 का क्या हो गया, इसमें पैटर्न जो आता है सेट जो आते हैं 2 28 2 30 1 32 1 34 6 की पैकिंग होगी, 5 की पैकिंग में क्या होता है 1 28 2 30 1 32 1 34 वैसे रहता है ये चीजें। ठीक है एक बार ब्लैक भी खोल के दिखा दो, ब्लैक भी दिखा दूंगा आपको, अगर आप ब्लैक देखेंगे ये ब्लैक पैंट है, अपनी फिनिशिंग देखना एक बार आप, पैंट की फिनिशिंग देखना, ये फिनिशिंग तो बढ़िया है, स्ट्रेचेबल होती है, ये स्ट्रेचेबल भी होती है नॉन स्ट्रेचेबल भी मिलती है। अच्छा दोनों रहेगी, ये स्ट्रेचेबल अभी इसमें कम लग रहा है क्योंकि सस्ती भी है थोड़ी है। ये कितने रुपए की मिल जाएगी? 300 की मिल जाएगी, उससे कम की भी मिल जाएगी। अच्छा ब्लैक अपने पास, हाँ एक पैसा यार मेरे पास जो
पड़ी थी ना, जब मैं लेके गया था एक बार, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं दुकान से लेके गया था, ब्लैक में एक प्रॉब्लम बहुत आती कि कलर बहुत छूटता, तो कलर का इसमें क्या हो रहा था? कलर नहीं छूटेगा इसमें, क्योंकि कपड़ा ही पॉली है। जीरो जीरो मतलब बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो छूटता ही यार ब्लैक में, इसमें नहीं छूटेगा, इसमें क्यों नहीं छूटेगा, क्योंकि कपड़ा ही, इसमें कोई कलर नहीं डाला। अच्छा, इसकी जो वॉशिंग हुई है बायो पॉलिश होती है। अच्छा, बायो पॉलिश अगर सिम सुना होगा आपने, सिंपल शाइनिंग के लिए होता है, बस सिलिकॉन डलता है इसमें और कुछ नहीं। अच्छा, इसमें ये जो सिलाई हो रहा है कपड़ा वही ब्लैक है। अच्छा, जैसे अपना जींस जो होता है ब्लू कलर का होता है, उसमें ब्लीच होता है, उसके बाद कलर चढ़ते हैं, इसमें कलर चढ़ता ही नहीं है। अच्छा, कुछ क्या हो सकता है कि इसको डार्क करने के लिए और काला डाल देते हैं, ये तो ऑलरेडी डार्क ही है, और भी डार्क चलता है, जिसको जेड ब्लैक चाहिए होता है, ब्लैक है इससे ज्यादा चाहिए तो जेड ब्लैक चाहिए होता है, वो चीजें हैं। तो इन शॉर्ट इसका कलर नहीं जाएगा, इसका कलर फेड नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो ठीक है, कलर फेड की तो गारंटी है। तो चलो 300 रुपए में कलर की गारंटी मिल रही है, होलसेल रेट है। हाँ, पहली बात। अच्छा, तो मतलब क्वांटिटी वगैरह का, हाँ ठीक है। तो यार सारी जो वीडियो बना रहे हैं, अजय भाई ने पहले बोला कि सारे व्यूज को बोल देना कि रिटेल के लिए नहीं है, सिंगल पीस के लिए नहीं है, ये सारे बस होलसेलर्स के लिए या जिनको अपनी दुकान के लिए माल चाहिए, वीडियो उन्हीं के लिए है। तो क्योंकि पिछली वीडियो पे बहुत इनके पास कॉल आया कि हाँ खराब हो जाती है सर, सिंगल पीस नहीं मिलते हैं। तो यार सिंगल पीस वाले यार प्लीज वीडियो देख लेना, लेकिन कॉल मत करना, दुकान खोलने का मन हो कभी तो वीडियो सेव करके रख लेना। सिंगल पीस के लिए बिल्कुल नहीं है ये, जो भी रहेगा होलसेल के लिए रहेगा। मिनिमम क्वांटिटी जो अपनी रहती है 30 से 60 पीस तो मिनिमम लो, मिनिमम 30 पीस, क्योंकि आप भी आओगे इतनी दूर से, कुछ तो जैसे कि आप कहीं से भी अपनी दुकान का एड्रेस भी एक बार बता देना, लोकेशन बता दो, सब कुछ बता दूंगा अपनी रघुवीर नगर में, वैसे नगर में अपना मार्केट है, ठीक है। और नीचे डिटेल्स वगैरह मिल जाएगी, नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल कर सकते, नंबर रहेगा इधर, हाँ आपसे आप बता देना, ठीक है। आप यार बाकी का माल दिखाओ एक बार, अभी बाकी का माल आपको मैं पहले नेटेड से दिखा दूँगा, कौन कौन सी वैरायटी रहती है। अच्छा वैरायटी है अभी, ऊपर दिखाने से पहले निकाल भी लो आप, ठीक है। एक बार सारे व्यूअर्स को एकदम अच्छे से वीडियो बना के प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, तो एक बार बता भी दो वैरायटी कौन कौन सी होती है अपने पास। हमारे पास वैरायटी मिल जाएगी, नेटेड में मिल जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा अपना कॉटन बाय कॉटन में मिल जाएगा, कॉटन बाय कॉटन में स्ट्रेच भी मिलता है, नॉन स्ट्रेच भी मिलता है, ठीक है। ठीक है, नेटेड के अंदर नॉन स्ट्रेच भी होता है, स्लिटेबल स्ट्रेच भी होता है, ठीक है। उस हिसाब से रेट भी बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जैसे स्ट्रेच की तरफ जाएंगे वैसे वैसे रेट बढ़ते रहेंगे, ठीक है। कॉटन बाय कॉटन में सुपर लैकरा भी आता है, सुपर लैकरा मतलब कपड़ा अलग रहेगा, वो हाई उसमें चला जाएगा, ठीक है। फिर आजकल अभी जो फैशन में चलती है बैगी, सिक्स पॉकेट प्लेन दोनों जिसको खुला रहते हैं, अभी दिखाऊंगा मैं आपको फोटोज कैसा क्या है, वो नॉन स्ट्रेच रहती है बैगी के अंदर। फिर अभी अपना जो कार्गो वगैरह भी मिल जाएगा अपने पास, कार्गो की क्वालिटी ऐसी इस टाइप की होती है, ये कार्गो अपने पास, ये सब ट्रेडिंग का अपना, ठीक है। आप इनको दिखा रहे हो, अलग से वीडियो बना के भी इनको दिखाते रहेंगे कस्टमर को, साथ के साथ में दिखाता रहूंगा कैसे क्या रह रहा है, ठीक है। अभी मैं माल स्टार्ट करता हूँ अपनी, और ये भी बता दो एक बार पूरा वैरायटी बता रहे हो, तो साइजेस कौन कौन से होते हैं अपने पास? अपने पास साइजेस सारे अवेलेबल रहते हैं। पहला साइज जो अपना मेन फोकस जो रहता है अभी, जैसे कि अपनी दुर्गा पूजा छठ पूजा जो आ रही है, उन भाइयों के लिए छोटे साइज, जैसे कि उनको 28 वगैरह जो आपने बोला 28 का माल भरपूर बड़ा हुआ है, कॉटन बाय कॉटन में 28 के अंदर 10 कलर डिजाइने अच्छी खासी मिल जाएंगी, सब है उसके अंदर, 28-30 मिल जाएगा आपको। फिर बड़े साइज जहाँ तक होते हैं 36 तक वो भी मिल जाएंगे, बट अपना माल थोड़ा 36 तक कम बनता है। अच्छा, 34 तक, लेकिन आप ट्रेडिंग भी तो करते हो, तो ट्रेडिंग वाले माल ट्रेडिंग में मिल जाएगा, जैसे जो मेरे पास अवेलेबल होगा वो आपको दिखाता रहूंगा, ठीक है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में आपको एक बार प्रोसेस मतलब सिंपली बताया तो बहुत लंबा प्रोसेस रहता है, तो लिमिटेड रहता है मेरा, इतना वास्ट काम है तो अपने को सारी चीज देखनी पड़ती है, कहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि यार जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कर लो कमी पड़ती है, क्योंकि रघुवीर नगर के मार्केट सबको पता है, ठीक है। चलो यार आप दिखाते रहो, क्योंकि जींस में इतनी वैरायटी है कि अभी हम देखते देखते वीडियो भी देखो 7-8 मिनट की होगी ये वीडियो पे। ये अपने पास नेटेड का माल है, इसको आरएफडी कहते हैं, आरएफडी कपड़ा देखोगे यार स्ट्रेच में रहेगा, लिटिल स्ट्रेच रहेगा, फुल स्ट्रेच नहीं है, नेटेड की तरह ही होता है आरएफडी, इसमें कलर चार्ट मिल जाएंगे, दो कलर, तीन कलर, चार कलर, ये पांच कलर आ गए, इस टाइप का चार्ट रहता है अपना, ठीक है। इसमें साइज अवेलेबल मिलेंगे आपको 28 से 32 तक, ठीक है। इसका रेट रहता है 320 से लेकर 340 तक, 320 से 340, ठीक है। दोबारा रिटेल वाले फोन ना करें, सिंगल पीस के लिए नहीं है, ये 5 की पैकिंग का सेट है,
दूसरी चीज आपको दिखा देता हूँ मैं, 28-28 में कॉटन बाय कॉटन दिखा देता हूँ। ये तो स्टैंडर्ड कपड़ा है, ये 28 साइज का पैटर्न है, स्ट्रेच रहेगा, फुल स्ट्रेच रहेगा इसमें। चाहे यहाँ से खींचिएगा, चाहे यहाँ से खींच के देख लीजिए। ये जब पहनेंगे तो बढ़िया फिटिंग का, बढ़िया। बाकी चेन की क्वालिटी देखेंगे आप, प्लास्टिक की चेन रहती है, अच्छी क्वालिटी की चेन है। चेन एक बार में बंद होगी, चेन की क्वालिटी सही रहेगी, अंदर अस्तर सही लगा रहेगा अपना, साटन का अस्तर रहता है, अस्तर लोकल अस्तर नहीं है, छेद नहीं हुआ इसमें, चाहे कुछ भी कर लीजिए, चाहे कुछ भी, छेद बिल्कुल नहीं हुआ, अस्तर अस्तर सब मायने रखता है। पैकिंग इसमें फ्लैट में रहती है अपनी, फ्लैट की पैकिंग रहेगी, फॉर्म के साथ पैकिंग रहता है इसमें। साइज क्या बताया आपने इसमें? सिर्फ 28-28 है अभी। अच्छा, पर इसमें 28-34 भी आते हैं, आपको दिखा रहा हूँ बस। ये 28-28 का माल कलर चार्ट इसमें बहुत मिल जाएंगे, बहुत कलर है, बहुत कलर। इसमें क्या क्या साइज है? ये 28 वाले दिखाया मैंने, आपको कलर चार्ट दिखाया अभी, लेकिन साइज है 34 तक मिल जाएंगे, अलग अलग डिजाइन, मतलब ये कपड़ा दिखाया आपको मैंने, इसी कपड़े में आपको 28 से 34 भी मिल जाएगा, 28-28 भी मिल जाएगा, 28 से 32 भी मिल जाएगा। अच्छा, जो अवेलेबल रहेगा मेरे पास, ऑप्शंस मिलेंगे। ये अभी बनाया है, ऐसा तो नहीं आप जब तक ये वीडियो डलेगी जब तक आएगी तब तक, क्योंकि ये वीडियो तो यार लाइफ टाइम रहने वाली है, तो पिछली वीडियो में भी आप बता रहे थे ऐसा हो रहा था, एक साल बाद भी बंदे बोल रहे थे भैया वही वाला माल अवेलेबल है, जो अवेलेबल होगा उसमें वो सारी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं यार। आपको एक मतलब व्हाट्सएप का जो नंबर है आपका इसमें डाल देंगे, तो कस्टमर कॉन्टेक्ट कर सकते हो और आपसे पूछ लेंगे कि कौन कौन से अवेलेबल है, ठीक है? तो जो भी ऑप्शन हो, जो भी अपने पास अवेलेबल हो, तो डिटेल आप कस्टमर को दे सकते हो सारी, ठीक है? बहुत ज्यादा वैरायटी मिल जाएगी आपको, ठीक है? इसीलिए अपना अच्छा, इसका रेंज जो जाता है 28-28 का, जो कॉटन बाय कॉटन रेंज है वो 400 रुपए से स्टार्टिंग है, 400 से शुरू कॉटन बाय कॉटन जो स्टार्टिंग रेंज है, स्टार्टिंग रेंज मीन्स 28-28 की जो रेंज है 400 से है। जैसे ही आप उसको साइज बढ़ाते जाएंगे 34 तक लेंगे, 430 पहुंच जाएगा, 440 पहुंच जाएगा, ऐसे ऐसे रेंज बढ़ती रहेगी, ठीक है? ठीक है, ठीक है जी। दूसरा अपना नेटेड में आज ये मेरे खुद के ब्रांडिंग का, खुद के ब्रांड का माल है। अच्छा, अपने ब्रांड का एक बार इंट्रोडक्शन दे दो यार। अपना ब्रांड मैंने इसलिए 28 क्लोथिंग है इसका नाम, क्योंकि आपका सबसे 28 सबसे ज्यादा जो प्यारा जो साइज है अपना। अच्छा, सबसे ज्यादा बिकने वाला, सबसे ज्यादा बिकने वाला, और किसी को आसान मतलब मुश्किल ना बोलने के लिए, तो 28 क्लोथिंग लिख दिया। एक बार इनका ब्रांड देख लेते हैं, ये 28। अच्छा, 8 न्यूमेरिक है, 28 क्लोथिंग, पूरी मार्केट में भी बात बता दो कि 28 वाला जो नंबर का माल है सबसे ज्यादा इसी दुकान से, मतलब जरूरी नहीं है कि मेरे पास अवेलेबल होगा नहीं होगा, कहीं से अवेलेबल करवा के दे दूंगा। अच्छा, टेंशन मत लेना, 28 अवेलेबल रहेगा, 28 मेरे पास हमेशा अवेलेबल, मेरे पास माल खत्म हो रहा है आपको मैं दे दूंगा, कहीं से भी दे दूंगा, 28 की गारंटी है। चलो ठीक है, और माल दिखा दो यार एक बार। इसी में ये अपना दिखा रहा है, 28-30 का माल है, पिंक कलर का शर्ट है, ठीक है? पैटर्न देखेंगे, 28-30 का पैटर्न है। अपने माल की क्वालिटी तो बढ़िया करेगा यार, आपने पहले से बहुत बढ़िया है। कपड़ा भी देखोगे सॉफ्ट में रहेगा, ये एवरग्रीन पैटर्न है और एवरग्रीन शेड्स है। सही कह रहे हो, सिंपल रहता है, सिंपल, क्योंकि लोगों को जिगजैग नहीं पसंद आता, मेरे को भी सिंपल ही पसंद आता, मतलब ये सबसे एवरग्रीन पैटर्न। एग्री। अच्छा, इसकी रेंज जो है अपनी नेटेड की रेंज स्टार्ट होती है 350 से। जो आपको मैंने पहले दिखाया था RFD, वो कपड़ा अलग है और ये कपड़ा अलग है, ठीक है? क्योंकि आप रेंज में मूव करना कि वो भी नेटेड था ये भी नेटेड है, तो आप फर्क क्यों दिखा रहे हैं? अच्छा,
अभी आ जाते हैं इसमें। अच्छा नेटेड में भी सेम जो आपको कपड़ा देखा है इसमें वैरायटी मिलती रहेगी। 350 रुपए हमारी स्टार्टिंग रेंज है। उसके बाद जैसे जैसे आप साइज बढ़ाते जाएंगे, जैसे कि 34 तक ले रहे हैं 370 पहुंच जाएगा, 36 तक ले रहे हैं 380 पहुंच जाएगा। ठीक है, जो अभी करंट रेट है मैं आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाइए जो अभी सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है, ट्रेंडिंग में जो बैगी। अच्छा सबसे ट्रेंडिंग में उठा दिए ये जो है हमारे पास माल, इसको क्या बोलते हैं? ये है कार्गो। अच्छा ये अलग है, ये अलग है। चलो कपड़ा कॉटन का है और ये कपड़ा नेटेड का है। अच्छा जीन्स में डेनिम में कपड़ा, ये डेनिम का कपड़ा है, वो कॉटन का कपड़ा। ठीक है, इसमें क्या क्या रहता है अपना? अच्छा इसमें 6 पॉकेट भी आती है, 8 पॉकेट भी आती है और प्लेन भी आता है। अच्छा ये आपको 6 पॉकेट दिए, 6 पॉकेट कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 खुला रहता है पैटर्न, साइज मिलता है 28 से 34। ठीक है, इसमें कलर चार्ट मिल जाएगा, ब्लैक बोलोगे ब्लैक मिल जाएगा। ये बैगी बोल रहे हैं इसको, बैगी कहते हैं आजकल का नया फैशन होगा, देखा होगा नीचे से पूरा खुला रहता है। पंजाब पैटर्न नहीं है, पंजाब पैटर्न अलग होता है, बैगी अलग होता है। इसी में प्लेन मिल जाएगा आपको, प्लेन मतलब ये बिना पॉकेट का, बिना पॉकेट का। अभी मेरे पास बिना पॉकेट का सैंपल अभी रखा नहीं हुआ मेरे ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ। कलर चार्ट तो आपको दिखाई दिया मैंने, इसमें भी कलर चार्ट अवेलेबल होता है, ये देखिए ये कलर चार्ट है, 5 कलर तो आपको यही दिखा दिया। ठीक है, अब इसी में आ जाइए, इसके बाद अपने पास जो वैरायटी बची है अभी भी बची है। बिल्कुल बची है, बिल्कुल बची है, उड़ा से खड़ा ज्यादा और कोई बात नहीं यार, माल खुलेगा तो कूड़ा तो होगा, कोई बात नहीं, लेकिन अपने व्यूअर को पूरा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, सब कुछ पता लगना चाहिए क्या क्या अवेलेबल है। वैरायटी बहुत सारी आती है भाभी, ये है कार्गो 6 पॉकेट कार्गो इसको जो ये मैं दिखा रहा था आपके कस्टमर को। ये भैया इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहां पे होती है? यहीं पे होती है अपना सीधा। अच्छा ये ट्रेडिंग, इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग होगी नहीं। चलो भैया ये बात बढ़िया है कि कस्टमर को बता के रखना क्या बन रहा है अपना क्या नहीं बन रहा। इसमें साइज आते हैं 28 से 30 से 36 तीस से छत्तीस, और इसमें सीन ये होता है 30 से 36 में सीन ये होता है कि इसका एक साइज माइनस आता है। अच्छा इसका मतलब क्या हो गया, 30 से 36 ये जो लिखा हुआ 30 जैसे 34 साइज लिखा हुआ है तो है ये 32। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। इसमें कलर चार्ट आपको बहुत मिल जाएंगे, 5 कलर तो आपको यही दिखा दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद और भी कलर देखेंगे तो इसमें कलर बहुत सारे मिलते रहते हैं। कलर फिर भी थोड़े बहुत और खोल के दिखाना, खोल के दिखाऊंगा तो सर एक दो दिखा दो सर कस्टमर के लिए, तो थोड़े व्यूअर्स के लिए थोड़ा डिजाइन बोलो पे आ रहे क्या, वो तो कुछ बेनिफिट तो मिलना चाहिए। सब में कुछ ना कुछ 19-20 का कलर का फर्क रहेगा, चाहे आप ये 5 कलर दिखाया मैंने आपको, यही चीज आप उधर देखेंगे तो अलग है। हाँ सही कह रहे हो यार, देखो ना जैसे ये ग्रीन है वो भी ग्रीन है पर वो लाइट ग्रीन है या डार्क ग्रीन है, सही कह रहे हो, दोनों फर्क आएगा। ये ब्लू दिखाया तो ये ब्लू अलग है, तो कस्टमर ऑर्डर करेंगे जो ग्रीन वही ग्रीन मिल जाएगा ना? जी बिल्कुल एकदम चेक किया हमारा। क्या होगा इसमें, क्या करते हैं हम नंबर लिख के भेजते हैं। अच्छा मतलब क्या होता है कस्टमर को समझ नहीं आता भैया। अच्छा मॉडल का नंबर, हाँ इसमें कस्टमर का जैसे ये ग्रीन है, इस ग्रीन का नंबर लिख के देते हैं G1, उसका नंबर लिख के देते हैं G2, जो भी फोटो भेजेंगे जो आप पसंद करोगे उसका नंबर लिख के भेजना पड़ेगा, अगर ऐसे नहीं टिक करके नंबर लिख के भेज दो सही हिसाब से। क्या होता है हम जो फोटो भेज रहे हैं और जो हमें भेजेगा वापस हमें खुद नहीं समझ आता, क्योंकि हम सिंगल सिंगल भी भेजते हैं तो वो चीज है, तो हम सीधा नंबर लिख के भेजते हैं कौन सा नंबर के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। G1 है, ट्रिगर ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी और माल भी एक्यूरेट मिलेगा। अच्छा इसमें वैरायटीज भी आती है अपनी। अच्छा इसमें वैरायटीज कैसे होगी, जैसे ये अपना नीचे से इलास्टिक वाला सीन जो है जी, इलास्टिक वाला आता है, नॉन इलास्टिक भी आता है, ये सारे नॉन इलास्टिक वाले हैं, इसके रेट भी डिफर करेंगे। अच्छा अलग अलग इसके प्राइसेस कितने बताया आपने? 380 से स्टार्टिंग है, 380 से लेके जितना ये प्रीमियम लेके जाओगे। अच्छा 450 तक चला जाता है। अच्छा ठीक है, इसमें कलर चार्ट बहुत मिल जाएंगे आपको और ये सबसे बढ़िया आइटम है, मतलब रिटेल काउंटर के लिए तो हमेशा हर कोई रखता रहता है। तो किसी को अपनी दुकान के लिए कार्गो वगैरह चाहिए हो, रिटेल के लिए चाहिए हो, तो बहुत वास्ट वैरायटी मिल जाएगी इसमें, तो इसमें कम से कम 6-7 वैरायटी है, इसमें वेट विद बेल्ट भी है, विदाउट बेल्ट भी है, इलास्टिक वाला भी है, जैसे कि अपने आगे विद बेल्ट आ गया जी, विद बेल्ट में
जैसे जैसे माल आता रहेगा इसको मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे जी। हाँ तो यार सारे व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूंगा कि डायरेक्टली कॉल वगैरह एक एक पीस के लिए या एक एक थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन के लिए मत करना, क्योंकि डेली की बहुत सारी कॉल आती हैं। आप सीधा सिर्फ व्हाट्सएप करिए। हाँ, व्हाट्सएप का नंबर अलग रहेगा, तो व्हाट्सएप की जो डिटेल्स होंगी वो मैं दे दूंगा आपको। व्हाट्सएप पे कर देना, ऐसा नहीं कि आपको माल वगैरह करना है तो भी कॉल नहीं उठाएंगे। हाँ, तो मतलब एक बार ऑर्डर कन्फर्मेशन वगैरह हो जाती है तो ऑब्वियसली आपको वीडियो वगैरह बना के पूरी देंगे, या पूरा प्रोसेस इनसे पूछ भी लूंगा अभी मैं कि क्या रहता है। और कुछ माल रह गया अपना? या अपना अभी तक में यही है, मेजर मेजर आपको बता दे जो ऊपर ऊपर से दिखा दिया, बाकी आप जब और भी वैरायटी मांगेंगे मैं दिखाता रहूंगा कैसी कैसी क्या वैरायटीज आती हैं। प्रीमियम वैरायटीज भी अपने पास, उस टाइप का माल भी है, प्रीमियम जीन्स में भी और सब में भी। प्रीमियम जीन्स जैसे कि अपना रेट उसमें फिर हाई चला जाता है, वो 550 तक चला जाएगा। तो कस्टमर के ऊपर है कि मतलब वो कि उसने कौन सी किस तरीके के उसके पास बताऊं तो अभी क्या होता है यूट्यूब बंदा जो चलाता है ना सीधा हो गया था भैया सस्ता का मिल रहा है बिल्कुल वो देखता भैया। तो मैं खाली मेरे पास वो भी अवेलेबल है, अभी मैंने आपको वो दिखा दिया जो मिनिमम रेट जो चलता है, जो चलता रेट है जो चाहिए यही। अच्छा यही वाला माल जो आपने 300 का दिखा रहे हो जैसे अपना ब्लैक में वो सब, और जो आपने माल दिखाया यही अगर गांधीनगर में होता तो कितना, या अपना टैंक रोड पे होता करोल बाग में तो कितना डिफरेंस होता? 30 से 40 रुपए का फर्क आता है। 30 से 40 रुपए का मिनिमम फर्क तो रहेगा, मैंने आपको ये मिनिमम बताया 30 से 40, इससे ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा मिनिमम इतना अपना रघुवीर नगर की मार्केट जो इतना उसमें रहता है डिफरेंस। तो एक और चीज बता दो यार, तो किसी को भी आपसे माल मंगवाना हो तो डिलीवरी का क्या हिसाब किताब रहता है, ट्रांसपोर्ट वगैरह करवाना हो? अच्छा मैं आपको पूरा पूरा बता देता हूँ, स्टार्टिंग से बताता हूँ। सीन क्या है कि अगर किसी को पहले सैंपल मंगवाने हैं जी, तो सैंपल का क्या है, जो सैंपल है 500 रुपए पर सैंपल है, ठीक है, चाहे वो 300 रुपए का आइटम हो चाहे 600 रुपए का आइटम हो। 600 रुपए से ज्यादा हो गया, जो 300 रुपए का आइटम है, जो मेरे पास 600 रुपए का आइटम है नहीं वैसे, तो 300 की हो, 350 की हो, 400 की हो, 450 की हो, 500 रुपए सैंपल का प्राइस है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई मान लो कोई सैंपल बोल के मांग रहा है और वो अपने रिटेल के लिए सिंगल पीस खुद से पहनने के लिए करवा रहा है, और ये भी है कि जब तक आप सैंपल मंगवाते हो जब तक आपका डिलीवर होता है वो माल ही खत्म हो गया, माल ही खत्म हो जाता है, तो आपको सैंपल सिर्फ इस बेसिस पे भेज रहा हूँ कि मैं ये कपड़ा यूज करता हूँ। आपको कपड़ा क्यों, कपड़ा मेरा चेंज नहीं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में जो कपड़ा वही चलता है। सीन ये, कपड़ा कौन सा होता है अपना वैसे? कपड़ा दोनों है, नेटेड है, कॉटन बाय कॉटन का अलग रहता है, सिंगल वो चलता है। अच्छा ट्रांसपोर्ट में मान लो 500 रुपए का वो है और डिलीवरी इंक्लूड रहती है इसमें? नहीं नहीं, डिलीवरी आपको पे करनी पड़ेगी जो जितना भी चार्ज लग रहा है। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ जो आपको सैंपलिंग के लिए चाहिए, सैंपल की बात कर रहा हूँ। सैंपल में क्या है, हम सीधा पोस्ट से, जो पोस्ट ऑफिस है, हमें कोई भी DHL है, इनसे भिजवाएंगे, जो चार्जेस होंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे। क्योंकि होता क्या है, जैसे कोई उड़ीसा से मंगाता है वहाँ के चार्जेस अलग है, तो जयपुर से मंगाता है उसके चार्जेस अलग है। हाँ ठीक है, तो जितना भी डिलीवरी चार्ज आएगा वैसे जीन्स का बहुत ज्यादा नहीं आता मेरे हिसाब से, 50 से लेकर 200 रुपए के बीच में ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हो जाती है ना। एक जीन्स का वेट जो होता है हमारा 700 ग्राम मतलब 500 से 700 ग्राम, तो 1 किलो वाली कैटेगरी में सारी आ जाएंगी मैक्सिमम, है ना? मैक्सिमम 1 किलो, आप 3 जीन्स मंगाते हो तो 1 किलो, 2 किलो मान के चलो मैक्स, मैक्सिमम 2 किलो के हिसाब से आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना क्या पड़ता है, वो चीज होगा, पैक करके भेज देंगे, आप बता देना हमें कैसे करेगा आगे की प्रोसीडिंग। अगर माल पसंद आता तो आप वो जो है ऑर्डर वगैरह कर देंगे, उस हिसाब से आप माल लगवा। तो किसी को भी मंगवाना हो तो, और COD का ऑप्शन रहता है अपने पास? नहीं, COD का ऑप्शन नहीं है। अच्छा, क्योंकि अपना अभी लॉकडाउन के बाद से जो हालात हैं, अच्छा, तो अपना COD का ऑप्शन नहीं है। बाकी आप वो फिर बाद में, ये ना कस्टमर को भरोसा नहीं होता ऐसा लगता है, तो आप GST भी मंगा लो। हाँ ये भी सही है, आप GST बिल कटवा लो, सबसे बढ़िया चीज है, हाफ पेमेंट कर दो, हाफ पेमेंट आप, या सबसे बढ़िया आके ले लो, सबसे बढ़िया आके ले लो, है ना? अगर आपको बिल्कुल भी कोई भी डाउट है तो यार, ये पहली बात तो मैं बोलूंगा कि मेरे वेरीफाइड जो है मतलब दुकान वाले हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैं जो वीडियो बनाता हूँ तो उसमें पहले बताता हूँ, अगर मेरा मतलब ये है तो यहाँ से आप ले सकते हो, अपनी पूरी गारंटी रहेगी। डिजाइन बोलो कि यहाँ के माल की भी, और आपके पैसे नहीं डूबेंगे उसकी भी। कोई भी दिक्कत हो नीचे मुझे कमेंट करके बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि पहली बार नहीं वीडियो बना रहा इनकी मैं, ठीक है। और दूसरी बात, COD का ऑप्शन उन्होंने मना कर दिया, तो पेमेंट जो होगी या आधी रहेगी एडवांस रहेगी जो आप बोल रहे हो उस हिसाब से होगा, बाकी यहाँ पे आके भी ले सकते हो, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है, तो COD का ऑप्शन नहीं है अपने पास, COD का ऑप्शन नहीं है अपने पास, बाकी वही अपना GST करके करिए। GST में आप हाफ पेमेंट दे दीजिए मुझे, चाहे मतलब हाफ तो नहीं, उससे ज्यादा ही होगा, जो शिप रॉकेट है, क्योंकि आप अगर COD मंगाओगे तो शिप रॉकेट वाला चार्ज भी एक्स्ट्रा करता है, फिर उस हिसाब से जी ये सीन भी रहता है, तो नुकसान आपका।
तो सारे कस्टमर को बोलना चाहूंगा मैं, या तो आप इनको एडवांस देके मंगवा सकते हो, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो जीएसटी बिल कटवा के मंगवा सकते हो। फिर भी आपको कुछ भी थोड़ा बहुत डाउट है, पहली बात तो कि ये हमारे पहले से वेरीफाइड कस्टमर है, कोई दिक्कत नहीं, आप माल मंगवा सकते हो, डिजाइन बोलो की वारंटी रहेगी। और फिर भी आपको कुछ भी डाउट है तो डायरेक्ट यहाँ पे आओ, आप रघुवीर नगर की मार्केट में आओ, आपको डिटेल वगैरह मिल जाएगी, नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे कॉल करके आओ और डायरेक्ट आके परचेज कर सकते हैं। दुकान से परचेज करिए, आपको सिंपल मैं आपको रघुवीर नगर का आइडिया दे रहा हूँ, आप आके परचेज कर सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि मेरी दुकान से लेना। बिल्कुल, इससे ज्यादा खुली बात कोई क्या कह सकता है, ठीक है। और चलो भैया सीधा बताऊं तो अपना क्या, जैसे कि अपने पास आते हैं ना, अपना पैटर्न का खेल है, सीधा होगा पैटर्न मेरा प्रॉपर मिलेगा आपको, रेट ऊपर नीचे हो सकता है, मेरा पैटर्न जेन्युइन रहेगा, क्वालिटी जेन्युइन, क्वालिटी जेन्युइन। सबसे बढ़िया जो है अभी जो अपनी मार्केट के अंदर जो चलता रहता है वो लगवाता है, मेरी दुकान के जो मेन की पॉइंट जो है पैटर्न है। अच्छा, जो मैं बेचता हूँ, ठीक है भैया। आखिरी सवाल मेरा ये है, वीडियो बहुत बड़ी होगी, आखिरी सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि कस्टमर को माल सही मिलेगा ना, पीस जो एकदम सेलेक्ट करे होंगे वही पीस जाएंगे, क्योंकि ये वाली बस एक वारंटी मैं आपकी तरफ से चाहता हूँ कि पीस की एक्यूरेसी रहे। मैं दो तीन चीजें बता के चलता हूँ आपको। होता क्या है, अगर लोग फोन से मंगाते हैं ऑनलाइन करके तो होता क्या है कभी कभार कि फोटो दिख कुछ और रही है, क्योंकि इस फोन में कुछ और दिखता है, डिस्प्ले का फर्क, वो हाँ वो फर्क आता है हर एक फोन में, अपनी माइनर तो रहेगा उतना, तो भैया कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। मान लो कि किसी ने काला माल मंगवाया, आपने नीला भेज दिया, नहीं ये प्रॉब्लम भी होती है, आपको पता होगा कि अपना माल आपने जो मंगवाया, जो आपने पीस सेलेक्ट करे वो पीस देंगे, वही मिलेगा आपको, एग्जैक्ट वही मिलेगा, जब आपके माल की पैकिंग होगी, पैकिंग इन द सेंस जब आपका भिजवाना होगा, माल भिजवाना होगा, उस टाइम जाने से पहले आपकी वीडियो बनाई, मतलब उस माल की वीडियो बनाई जाएगी, वो आपको शिप किया जाए, मतलब वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। जब आपके पास माल उतरे, आप चाहे उसकी वीडियो बना लो कि ये है, क्योंकि मैं जो खोलते टाइम अनबॉक्सिंग की, अनबॉक्सिंग है, तो होगा क्या, जो जो मैं सेट डालूंगा उस पर नंबर लिखे होंगे। अच्छा, जैसे कि 1 2 3 करके ऐसे करके, आप जैसे जब माल पहुंच जाए आप खोल के चेक कर लेना, ठीक है। तो यार फिर ठीक है, फिर तो पूरी ट्रांसपेरेंसी है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सेम जैसा रहेगा वही चीज़ है। तो यार मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि हमारी वीडियो के थ्रू अगर डिजाइन बोलो के थ्रू आपके पास आ रहे हैं तो एक ये वाली चीज कस्टमर को मिल जाती है ना, तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहता है, क्योंकि आपको पता है सब फ्रॉड वगैरह चलते हैं आजकल, और बाकी मार्केटों का हाल भी क्या है। चलो रघुवीर नगर की ना भी हो, टैंक रोड में भी मैंने वीडियो बनाई है, और उसमें भी ये सब दिक्कत होती है कि माल कुछ और मंगवाया और कुछ और पैटर्न के साथ, कुछ और साथ में जो नहीं निकल रहा वो भी भेज दिया, तो बस एक ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी एक बार सब्सक्राइब टू डिजाइन बोलो भी बोल दो सारे हमारे कस्टमर को, सब्सक्राइब टू डिजाइन बोलो। चलिए ठीक है, अब पूरी डिटेल मैंने बता दिया, कुछ भी आपको पूछना हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, आपको जो नंबर होगी डिटेल होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी अगर आपको आना हो तो भी आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, पूरी डिटेल जो होगी आपको मिल जाएगी। और सबसे इजी मोड व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछो, आप कॉल रिसीव करना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि मल्टीपल कॉल आते हैं, क्योंकि सुबह दुकान भी देखनी है अपने को, पैकिंग भी करनी है, उस हिसाब से पैकिंग खुद नहीं करनी होती, पर देखना तो पड़ता है लोग वगैरह कैसे क्या, ठीक है पूरी समझ रहा हूँ मैं आपका, एक्टिव शेड्यूल है, मैन्युफैक्चरिंग पूरी दुकान से, अभी भी आपको अगर मैं बताऊँ, अभी हम भैया से स्पेशल परमिशन लेके 10 बजे हम वीडियो बना रहे हैं, फोन दिखाई ना, फोन में दिखाता हूँ आपको टाइम क्या हो रहा है एग्जैक्टली, फोन दिखाता हूँ, टाइम देखिए, एग्जैक्टली टाइम देखिए, ये भी 10:17 का टाइम हो रहा है, रात के टाइम पे बन रही है, रात के टाइम वीडियो बना रही है, क्योंकि भैया के पास पूरे दिन टाइम नहीं था, तो 9 बजे भैया ने बोला सारा माल लगवा लोगों के एक बार तब आना, तो अभी भैया थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, ठीक है। तो अब कस्टमर को एंटरटेन कर लेना, जो भी व्हाट्सएप पे होंगे तो व्हाट्सएप पे प्लीज प्रॉपर रिप्लाई कर लेना, रिप्लाई ढंग से कर नहीं पा रहा तो ये ना हो, मतलब रिप्लाई मिलेगा, मतलब अभी नहीं मिला तो मिल जाएगा, तो कल मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, पर ये ना हो, और हाई लिख के मत भेजना, आप जब भी भेजे कुछ भी भेजे सीधा आप अपनी रिक्वायरमेंट बताना, ठीक है सर कि मुझे कार्गो लेना है, आप क्योंकि लोग क्या होते हैं सीधा हाई लिखते हैं उसके बाद बताते नहीं है, फिर समझ नहीं आता क्या, ठीक है वो यार मतलब कस्टमर की टेंशन मत लो, बहुत सारे कस्टमर मिलते हैं अपने को, एक बार बस सब्सक्राइब टू डिजाइन बोलो बोल दो फाइनली, फिर अब मिलते हैं अगली वीडियो, सब्सक्राइब टू डिजाइन बोलो, चलिए ठीक है अब अगली वीडियो मिलते हैं, थैंक यू, थैंक यू।